नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन के फिल्मों के बारे में, उनकी ऐसी फिल्मों के बारे में जो उन्होंने खुद से डायरेक्ट की हुई हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 11 अप्रैल 2008 को अजय देवगन की मूवी आई यू मी और हम। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर खुद अजय देवगन जी थे। दोस्तों इस मूवी का बजट 25 करोड़ रुपया था और इंडिया में इसकी कमाई 20 करोड़ 98 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया। और भाई सब अजय देवगन की पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म फ्लॉप रही। अब आगे बढ़ते हैं इनकी दूसरी मूवी की ओर। 28 अक्टूबर 2016 को अजय देवगन की मूवी आई सिवाय। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर अजय देवगन जी थे। इस मूवी का बजट 100 करोड़ रुपया था और अपने इंडिया में इसकी कमाई 100 करोड़ 33 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 148 करोड़ 91 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब अजय देवगन की ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद 29 अप्रैल 2022 को अजय देवगन की मूवी आई रनवे 34। दोस्तों इस मूवी के भी डायरेक्टर अजय देवगन थे। दोस्तों इस मूवी का बजट 65 करोड़ रुपया था और अपने इंडिया में इसकी कमाई 32 करोड़ 96 लाख की हुई। दोस्तों इस मूवी ने पूरी दुनिया में कितना कलेक्शन किया है हालांकि इस बारे में अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल पाया, लेकिन दोस्तों अजय देवगन की ये मूवी डिजास्टर रही। अब बात करते हैं अजय देवगन की सबसे बड़ी मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च 2023 को यानी आज के दिन ये मूवी रिलीज हो रही है। इसका नाम है भोला। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर अजय देवगन है और ये उनकी पहली बड़ी फिल्म है जो वे खुद से डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी का बजट करीबन 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि ये मूवी आज के दिन 11 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर चुकी है। पहले ही दिन इस मूवी ने 11 करोड़ 20 लाख की कमाई कर लिया है। पूरी दुनिया में इस मूवी ने एक दिन में कितना कमाया है हालांकि इस बारे में अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल पाया, लेकिन दोस्तों अजय देवगन की ये मूवी ब्लॉकबस्टर तो जानी तय है। अगर आपने अजय देवगन की मूवी भोला को देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।